नमस्कार दोस्तों, हमारे इस FTR सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में मेरे कुल 5 वीडियो आने हैं। इस वीडियो के बाद शहरी प्रशासन से संबंधित जिन भी प्रश्नों में आपको समस्या होगी उन्हें आप कमेंट के रूप में रेखांकित करेंगे। हम उन सभी प्रश्नों को लेते हुए अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद के जो 2 वीडियो होंगे वो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित होंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था तथा उससे निर्वाचन से संबंधित। ध्यान रखिएगा कि जो भी कमेंट आए वह शहरी प्रशासन से संबंधित हों, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो होगा वह शहरी प्रशासन से ही संबंधित होगा। हम आज कुछ नए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। इसके पहले हम जो कल के वीडियो था उसमें कुछ जो समस्याएं आई थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था कल, पहले प्रश्न के पहले स्टेटमेंट में एक समस्या यह थी कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 है। हमने कहा था कि यह स्टेटमेंट सही है और जो बाकी की स्टेटमेंट थी वह नगर पालिका से संबंधित थी। तो देखिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वह संबंधित था किससे? नगर निगम से। 1956 के एक्ट के बारे में हमने बात की थी वहां पर, और बाकी सभी एक्ट जो संबंधित थे वो 1961 के एक्ट से संबंधित थे। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर 2 एक्ट को साथ में मिलाया जा रहा है वहां पे थोड़ी समस्या आपको आ सकती है, लेकिन इस चुनौती के लिए भी आपको तैयार रहना है। हमारा पहला जो नगर पालिका में जो आप अंतर देखते हैं तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम 1956 नगर निगम के केस में लिखा जाता है नगर पालिक, और 1961 के केस में लिखा हुआ है नगर पालिका। आप रायपुर में जो नगर निगम का भवन है वहां पर भी देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, ना कि नगर निगम। हम सामान्य रूप से नगर निगम कहते हैं, लेकिन एक्ट की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? नगर पालिक निगम कहा जाता है। इसलिए हमने जो पहला स्टेटमेंट अपना रखा था वह रखा था छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम 1956 है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न जो आया था वह इस प्रकार आया था कि अब जो है नगर निगम में महापौर का जो पद है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है, तो क्या सभापति का पद नहीं रहेगा? तो जी नहीं, महापौर चुने गए हैं और साथ में ही सभापति भी चुना जाएगा। आप देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में निर्वाचन हुए हैं उनमें, उन सभी नगर निगमों में महापौर भी चुने गए हैं और सभापति भी चुने गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने तो रायपुर में एजाज डेबर जी को महापौर बनाया गया है। महापौर राजनीतिक प्रमुख होगा, जो सभापति होगा वह परिषद की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेगा। प्रमोद दुबे जी को रायपुर नगर निगम में परिषद की अध्यक्षता करने के लिए सभापति नियुक्त किया गया है। आप यही चीज़ अगर नगर पालिका के केस में देखें तो वहाँ जो अध्यक्ष होता है वह राजनीतिक प्रमुख भी होता है और परिषद की होने वाली बैठकों का अध्यक्षता भी करता है। इसलिए नगर पालिका में और नगर निगम में यह अंतर आपको देखने को मिलता है। मतलब अब जब अप्रत्यक्ष रूप से महापौर चुना जा रहा है फिर भी सभापति चुना जाएगा या चुना जाएंगे। ठीक, अब हम आज कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट 1961 के अनुसार प्रेसिडेंट इन काउंसिल से संबंधित सत्य कथन है। आपका पहला स्टेटमेंट है, अध्यक्ष के निर्वाचन के 15 दिनों के भीतर ऐसी काउंसिल का गठन किया जाएगा। देखिए, PIC होती क्या है? प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बात कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि भारत में होता है कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। उसी प्रकार से नगर पालिका में और नगर निगमों में होता है क्या? PIC। नगर पालिका और नगर पंचायत में PIC होती है और नगर निगम में MIC होती है, क्योंकि यहाँ मेयर होता है तो मेयर इन काउंसिल कहा जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है इसलिए इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट इन काउंसिल। तो इसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो आपका अध्यक्ष होगा नगर पालिका में, जो अध्यक्ष है वह क्या है? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह है। और जिस प्रकार से इनका मंत्रिपरिषद होता है, मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से चुने हुए पार्षदों को क्या किया दिया जाता है? नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित जो विभाग होते हैं, मान लीजिए कोई वित्तीय विभाग है तो वित्तीय विभाग में किसी पार्षद को दे दिया जाएगा। प्रेसिडेंट है और उसका क्या बनाया जा रहा है? हम बना रहे हैं उसका मंत्रिमंडल। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उसी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से नगर पालिका में PIC होती है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल होती है। स्टेटमेंट ये कहता है कि अध्यक्ष के निर्वाचन के 15 दिनों के भीतर ऐसी काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। तो देखिए, जो PIC का गठन होता है वह अध्यक्ष चुने जाने के 7 दिनों के भीतर क्या कर लिया जाना चाहिए? PIC का गठन हो जाना चाहिए। इसलिए जो 15 दिन लिखा हुआ है वह क्या है? गलत है, 7 दिन होना चाहिए इसमें। ठीक,
दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, पीआईसी में केवल निर्वाचित पार्षद ही शामिल हो सकते हैं। तो जी देखिए, अगर आप नगर पालिका का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, तो सांसद, विधायक, सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुछ लोग उसमें आते हैं जो पार्षद के रूप में रहते हैं। ठीक, तो पीआईसी में केवल जो निर्वाचित पार्षद होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उन्हें ही शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष तरीके से जो पार्षद आ रहे हैं उन्हें नहीं रखा जाता। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या होता है, सही होता है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, अध्यक्ष और 7 सदस्यों से मिलकर नगर पालिका तथा नगर पंचायत दोनों में ही इसका गठन किया जाता है। तो देखिए, नगर पालिका के केस में आप देखें, नगर पालिका के केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं, ये तो सही है। परंतु अगर आप नगर पंचायत देखें, अगर आप नगर पंचायत देखते हैं तो वहाँ 1+5 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ना कि 7। यानी दोनों ही जगहों पर प्रेसिडेंट इन काउंसिल की जो सदस्य संख्या होती है वह समान नहीं होती। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। इसी प्रकार से आप अगर नगर निगम में देखें तो नगर निगम में अध्यक्ष और 7 सदस्य या फिर 1 और नगर पंचायत की तरह इस तरीके से नहीं बताया गया है। वहाँ बताया गया है कि जो भी सदस्य संख्या होगी, जो भी पार्षदों की कुल संख्या होगी, उसका 20%, अगर मान लीजिए 70, जैसे रायपुर में 70 पार्षद हैं, तो 70 का आपको 20% क्या रहेंगे, MIC के सदस्य बन सकते हैं, अर्थात 14 सदस्य क्या हो सकते हैं, MIC में शामिल हो सकते हैं। तो नगर निगम में आप देखते हैं तो जो भी टोटल सदस्य संख्या होती है, कुल पार्षदों की संख्या होती है, उसका 20% होता है। और साथ में ही नगर निगम में कंडीशन है कि इन 14 सदस्यों में से SC ST का कोई ना कोई सदस्य होना ही चाहिए, और साथ ही एक महिला, फीमेल भी होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के केस में इस तरीके का कोई नियम नहीं बताया गया है। यहाँ केवल यह कहा गया है कि यहाँ क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 7 अन्य सदस्य होंगे नगर पालिका के केस में, और नगर पंचायत के केस में एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो 1+7 का जो नियम है वह नगर पालिका के ऊपर तो सही है, लेकिन नगर पंचायत के केस में वो गलत होता है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। अध्यक्ष पीआईसी का पदेन सभापति होता है। तो जी, जो पीआईसी बन रही है वह अध्यक्ष ही उसका क्या है, पदेन सभापति है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो अध्यक्ष होता है वही करता है। इस पीआईसी का जो अध्यक्ष है वही क्या है, इसका पदेन सभापति है, पदेन अध्यक्ष है। हम बात कर रहे हैं पीआईसी की, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। अगला है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो सरकार द्वारा नाम निर्देशित पार्षद पीआईसी की अध्यक्षता करता है। तो जी देखिए, जो हम देखते हैं कि हमारा स्थानीय प्रशासन है, तो स्थानीय प्रशासन पे जो राज्य सरकार है होती है, उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो अगर इस नियंत्रण को अगर हम देखें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर अध्यक्ष का पद खाली है, यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो राज्य सरकार किसी एक पार्षद को क्या करती है, अध्यक्ष बनाती है, और वही क्या होता है, उस पीआईसी की अध्यक्षता करता है। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। तो अब आप देखें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है जिनमें भी क्या है, स्टेटमेंट नंबर हमारा 1 और 3 हमारी गलत है। तो जिनमें भी 1 और 3 दिख रहा है वो क्या हो गए, गलत हो गए। इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर जो हमारा कूट नंबर है B, वो सही होता है। तो इसका उत्तर है B। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिका परिषद तथा समिति के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप, सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य कथन। तो पहला है, परिषद का प्रत्येक 2 माह में 1 बार सम्मेलन होता है। तो जो नगर पालिका की परिषद है उसका क्या हो रहा है, 2 माह में हम कह रहे हैं 1 बैठक हो रही है। तो अगर साल भर में कहें हम, 12 माह में कितनी बैठक, 6 बैठक। तो आप देखेंगे कि यह बात सही है, 12 माह में कितनी बैठकें होती हैं, 6 बैठकें मिनिमम होना है। इससे अधिक भी बैठकें हो सकती हैं, अध्यक्ष अगर चाहता है तो इससे भी अधिक भी बैठकें हो सकती हैं, लेकिन 2 माह में 1 बैठक होना क्या है, अनिवार्य है। तो यह अपने आप में सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, समितियों का प्रत्येक माह कम से कम 1 बार सम्मेलन होगा। तो जी, समितियाँ जो होती हैं, हमने कहा कि क्या नगर पालिका परिषद बनी, आपका पीआईसी का गठन हुआ, पीआईसी के गठन के बाद विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं। तो इन समितियों का जो कार्यकाल, इन समितियों का बैठक माह में कम से कम 1 बार होना अनिवार्य है। तो 1 माह में 1 बार किसकी बैठक हो रही है, समितियों की बैठक हो रही है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, सलाहकार समिति का प्रत्येक 2 माह में 1 बार सम्मेलन होता है। देखिए, जो समितियों के संबंध में बात होती है, तो जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो ये कहता है कि समितियों का प्रत्येक माह कम से कम 1 बार बैठक होना अनिवार्य है। तो हम कह रहे हैं कि समिति
और उसकी बैठक कब हो रही है, एक माह में एक बार हो रही है। लेकिन जो सलाहकार समिति होती है वह बाकी समितियों से अलग है। सलाहकार समिति की 2 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ना कि प्रत्येक माह होना है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। इसको शामिल करने, इस प्रश्न को शामिल करने का अर्थ यही था कि हम बता सकें कि सलाहकार जो समिति है, सलाहकार समिति की बैठक 2 माह में एक बार होती है और जो अन्य समितियाँ होती हैं उनका प्रत्येक मास बैठक होती है। अगला है हमारा, सलाहकार समिति की सदस्य संख्या नगर पालिका में 5 तथा नगर पंचायत में 3 होती है। तो जी, नगर पालिका में 5 सदस्य सलाहकार समिति में होते हैं और नगर पंचायत में 3 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट जो है आपका गलत नहीं है। तो सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमने पूछा क्या है, असत्य कथन पूछा है, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय प्रशासन के निर्वाचन अधिनियमों के अनुसार खर्च सीमा निर्धारित की गई है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। देखिए, खर्च सीमा के संबंध में बात हो रही है। नगर पंचायत की खर्च सीमा 50,000। इसमें अगर आप देखें तो पहले अध्यक्ष और मेयर और पार्षद इस प्रकार से चुने जाते थे। तो अध्यक्ष के लिए नगर पालिका और नगर पंचायत में अलग खर्च सीमा होती थी और मेयर के लिए अलग खर्च सीमा होती थी और पार्षद के लिए अलग खर्च सीमा होती थी। लेकिन अब पार्षद ही अध्यक्ष और मेयर बनेंगे, इसलिए इन दोनों की खर्च सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि पार्षद ही अध्यक्ष और मेयर बनेंगे। अब जो खर्च सीमा निर्धारित की गई है वह केवल पार्षदों के लिए निर्धारित की गई है, और जो एक वार्ड में एक पार्षद है वह कितना खर्च कर सकता है इसके संबंध में बात की गई। तो यह कहता है कि नगर पंचायत में खर्च सीमा 50,000। तो जी, नगर पंचायत का जो पार्षद है वह 50,000 रुपये खर्च कर सकता है। वह कितना खर्च कर सकता है, 50,000 खर्च कर सकता है। नगर पालिका का पार्षद जो है 1.5 लाख रुपये खर्च कर सकता है, और नगर निगम का जो पार्षद है वह कितना खर्च कर सकता है, 3 लाख रुपये खर्च कर सकता है। लेकिन इस संबंध में एक कहा गया नगर निगम में कि जिन नगर निगमों की जनसंख्या 3 लाख से कम है वहाँ पर पार्षद 3 लाख रुपये खर्च कर सकता है, लेकिन जिन नगर निगमों में जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहाँ एक पार्षद 5 लाख रुपये तक भी खर्च कर सकता है। कितना खर्च कर सकता है, 5 लाख रुपये खर्च कर सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 तो क्या है, सही है। परंतु आप देखें कि नगर पालिका निगम में 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर खर्च सीमा 10 लाख, तो जी ये क्या है, हमारा कथन गलत हो जाता है, है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट नंबर डी है वह क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में सत्य कथन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कोई आदेश दिया है, आप उसे सहमत नहीं हैं, तो आप उसके विरुद्ध कहाँ पे अपील कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, नगर पालिका परिषद के मामले में अपील परिषद में 30 दिनों के भीतर की जाएगी। देखिए, नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका के केस में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों के माध्यम से एक क्या बनाई जाती है, अपील समिति बनाई जाती है। हम बनाएंगे एक अपील समिति बनाएंगे, और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अगर हमें कोई समस्या है, उनके आदेश के विरुद्ध हमें समस्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस अपील के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कौन कौन है, हमारा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य हैं, ठीक है। तो इस अपीली समिति के समक्ष आप 30 दिन के अंदर, जब भी आपको कोई आदेश दिया गया है उन 30 दिनों के अंदर आप इस अपीली समिति के समक्ष अपनी बात रखेंगे, और इन्हें आपकी बात सही लगती है तो ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आपको आदेश दिया है उसे रद्द कर सकते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नगर पालिका परिषद के मामले में अपील परिषद में 45 दिनों के भीतर, जी नहीं, 45 दिनों के भीतर नहीं, हमें 30 दिनों के भीतर अपील करनी होती है। नगर पंचायत के मामले में कलेक्टर के समक्ष 30 दिनों के भीतर। तो जी, नगर पालिका के केस में तो हमने देखा एक अपीली समिति बनाई जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, परंतु नगर पंचायत के केस में इस तरीके की अपील समिति नहीं होती है। वहां अगर आपको नगर पालिका के जो हमारा CMO है या मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करना है तो आपको कलेक्टर के समक्ष करना होता है और उसके आदेश के 30 दिनों के भीतर ही करना होता है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वह सही है, और हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है जो 45 दिन लिखा हुआ है वो भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो नगर पालिका के केस में आप कहां जाएंगे, अपीली समिति के पास जाएंगे। अपीली समिति में है कौन, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, 2 अन्य पार्षदों से मिलकर बना है, और कब जाएंगे, जब आपको किसी CMO से समस्या है। और अगर यही चीज आपको नगर पंचायत में देखने को मिलती है तो ऐसी शिकायत लेकर आप कलेक्टर के समक्ष जाएंगे, कलेक्टर ही उसका निराकरण करेगा। तो इस तरीके से आप देखें अगर, तो हमारा सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो हमने सत्य कथन कहा था, इसलिए हमारा उत्तर होगा यहां पर बी। हमारा अगला प्रश्न है, परिषद को विघटित करने के परिणाम के संबंध में असत्य कथन कौन
कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने कहा है असत्य कथन के बारे में। तो क्या है, परिषद के सभी पार्षद आदेश की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे। परिषद के सभी पार्षद आदेश की तारीख से अपना पद रिक्त कर दें। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विघटन के बारे में। अगर किसी भी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाता है, और विघटन करने की किसके पास शक्ति है? यह शक्ति है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार को लगता है कि जो परिषद है वह सही कार्य नहीं कर रही है, उसे भंग कर देना चाहिए, तो वह ऐसी परिषद को क्या कर सकती है? विघटित कर सकती है नियमानुसार काम न करने के कारण। या ऐसी परिस्थिति में भी किया जा सकता है कि जब राज्य सरकार ने देखा कि अध्यक्ष का चुना जाना, हमने ये कहा है कि नया जैसे ही नगर पालिका का गठन होगा 15 दिनों के भीतर क्या होना चाहिए? अध्यक्ष बन जाना चाहिए। अगर 15 दिनों के भीतर अध्यक्ष नहीं बनता है तो अगले 15 दिन और दिए जाते हैं, अर्थात 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर किसी भी नगर पालिका में जो नई निर्वाचित हुई है वहाँ पर अध्यक्ष का क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। अगर 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष नहीं चुना गया तो ऐसे नगर पालिका को भी क्या कर सकती है? राज्य सरकार विघटित कर सकती है। मैक्सिमम डेट हमने कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम हम दिन दिए हैं 30 दिन। हमने ये कहा कि 15 दिनों के अंदर अध्यक्ष का पद भर जाना चाहिए, लेकिन अगर एक बैठक में पूर्ण नहीं हो पाया तो सेकंड बैठक 15 दिन के अंदर और होनी चाहिए, और उस बैठक में क्या होना चाहिए? अध्यक्ष चुन लिया जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी पालिका ने अपने अध्यक्ष को नहीं चुन पाया तो राज्य सरकार चाहे तो ऐसी पालिका को क्या कर सकती है? विघटित कर सकती है। और अगर राज्य सरकार की राय में ऐसा लगता है कि कोई पालिका गलत कार्य कर रही है तो वह उसे भी विघटित कर सकती है। तो उन स्थितियों को हम निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। कि मान लीजिए किसी पालिका ने 30 दिनों के भीतर अपना अध्यक्ष नहीं चुना, ठीक, तो परिषद के सभी पार्षद जिस तारीख से आदेश निकलेगा कि इस पालिका को क्या किया जा रहा है? विघटित किया जा रहा है, तो उस तारीख से जो सभी पार्षद होंगे वे अपना पद रिक्त कर देंगे, यानी माना जाएगा कि उन्होंने अपना पद रिक्त कर दिया है। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, PIC अपील समिति सलाहकार समिति की समस्त शक्ति किसी समिति के पास होगी जिसे राज्य सरकार हेतु नियुक्त किया जाएगा। मतलब आप देखेंगे तो राज्य सरकार इसे विघटित करेगी और एक क्या बनाएगी? वह एक बनाएंगे, समिति बनाएंगे। और जो इनके कार्य हैं, जो हम पढ़ रहे थे, PIC, प्रेसिडेंट इन काउंसिल, सलाहकार समिति, अपील समिति, जो भी कार्य कर रही थी अब कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति करेगी। और इसके सदस्य कौन होंगे इसका निर्धारण भी कौन कर रही होगी? राज्य सरकार इसके बारे में निर्धारण करेगी। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। हम यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव कर रहे हैं और हमारा ए और बी जो है सही है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होंगे। तो देखिए, अगर जो प्रशासनिक समिति बनाई जाती है, जो ये समिति बनाई गई है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। मतलब कुल जो संख्या है, जो कुल इस समिति की सदस्य संख्या वो है 5 है। मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, ना कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। तो अगर आप ये देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। फोर्थ है हमारा, किसी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित मामले पर नियंत्रण कलेक्टर के पास होता है। तो अगर आप देखें तो नगर पालिका के केस में जब नगर पालिका अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही होती है तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है और PIC होती है, किसी भी वित्तीय मामले के प्रबंधन के संबंध में उसके पास अधिकार होते हैं। पर अगर राज्य सरकार ने किसी भी पालिका का विघटन कर दिया है तो वित्तीय मामले संबंधी जो प्रबंधन है वह इस समिति के पास नहीं जाता, वह किसके पास चला जाता है? कलेक्टर के पास चला जाता है। तो कलेक्टर ही वित्तीय मामलों का प्रबंधन कर रहा होता है नगर पालिका के केस में, जब वह क्या हो चुकी है? विघटित हो चुकी है। बाकी अन्य सभी कार्य जो PIC कर रही है, अपील समिति कर रही है, सलाहकार समिति कर रही है, वह सभी कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति करेगी। लेकिन वित्तीय प्रबंधन के मामले किसको दे दिए जाते हैं? कलेक्टर को दे दिए जाते हैं। और इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ना कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, मतलब 7 सदस्य इसमें नहीं होते। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर सी है वह क्या होता है? गलत होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में स्थापित छावनी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें यहाँ क्या देखना है? सत्य नहीं है कथन देखना है। तो छावनी बोर्ड स्वायत्त संस्था होती है जिस पर सेना के मुख्य अधिकारी का नियंत्रण होता है। तो देखिए, छावनी बोर्ड होता क्या है? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या हो रहा है? सेना रहती है, सेना के परिवार और उनका प्रशासन जहाँ पर होता है, ऐसे क्षेत्रों को छावनी बोर्ड कहा जाता है। मतलब राज्य सरकार, अगर आप स्थानीय प्रशासन के बारे में देखें तो भारत में 8 प्रकार की स्थानीय प्रशासन देखने को मिलता है। हम छत्तीसगढ़ में तो जरूर 3 प्रकार के स्थानीय प्रशासन के बारे में देखते हैं, पर पूरे भारत में अगर आप देखें तो 8 प्रकार के स्थानीय प्रशासन देखने को मिलते हैं। उनमें से एक क्या है? आपका छावनी बोर्ड है, जहां पर सेना और सेना के कर्मचारी और उनका परिवार रहता है, वहां पर छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। तो आप देखिए, अगर तो छावनी बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, जी बिल्कुल, और इस पर सेना का मुख्य अधिकारी का नियंत्रण होता है। तो ये अपने आप में सही स्टेटमेंट है। इसके आधे सदस्य निर्वाचित तथा आधे सदस्य
मनोनीत होते हैं, तो इसमें यह है कि छावनी बोर्ड के जो आधे सदस्य होंगे वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे और आधे सदस्य मनोनीत होंगे, तो यह कथन भी आपका सही है। इसके बाद है छावनी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो जी 5 वर्ष नहीं होता है, भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का जो कार्यकाल होता है वह क्या होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन छावनी बोर्ड का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष होता है। तो जो यहां पर असत्य कथन है वो यही है कि छावनी बोर्ड का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता, वो कितना होता है, 3 वर्ष होता है। अगला है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो देखिए छावनी बोर्ड सेना से संबंधित है और सेना पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है, इसलिए जो मुख्य अधिकारी होगा छावनी बोर्ड का उसे केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। एक और प्रश्न इसमें आता है कि अगर छावनी बोर्ड, देखिए छावनी बोर्ड बनेगा कहां पर, किसी क्षेत्र में ही बनेगा, या तो वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है या वह क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। अगर वह क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से संबंधित है तो मान लेते हैं कि हम पालिका से किसी, हमारा ये पालिका है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, हमारा छावनी बोर्ड है, और छावनी बोर्ड और नगर पालिका, हमने ये कहा कि ये छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड और ये पालिका है, तो पालिका और छावनी बोर्ड के बीच कोई विवाद हो जाता है तो इसका निराकरण किस प्रकार होगा, तो क्योंकि ये केंद्र सरकार से संबंधित, ये राज्य सरकार संबंधित है, तो राज्य सरकार किसी प्रकार को निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार से पूछेगी, यानी कि केंद्र सरकार से क्या लेगी, वो सलाह लेगी, और केंद्र सरकार जो उसको सलाह देगी उसके आधार पर वो क्या करेगा, यहां पर निर्णय करेगा। देखिए अगर आपकी दो पालिकाओं के बीच अगर कोई विवाद हो रहा है, ये पालिका नंबर 1 और ये 2, इसके बीच अगर कोई विवाद है तो राज्य सरकार चाहेगी तो इसको क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, मतलब यहां पर राज्य सरकार का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा, लेकिन पालिका और छावनी बोर्ड के बीच अगर कोई विवाद है तो यहां पर पहले क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार से पूछा जाएगा, उसकी सलाह ली जाएगी और उसकी सलाह के आधार पर ही राज्य सरकार कोई निर्णय देगी। मतलब निर्णय देने का काम तो राज्य सरकार के पास है, लेकिन ये किसके बिना पूछे, केंद्र सरकार से बिना पूछे ऐसा कोई भी निर्णय नहीं देंगे किसी भी विवाद की स्थिति में। तो इस प्रकार आप देखिए तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा छावनी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष ना होकर 3 वर्ष होता है, इसलिए यहां पर उत्तर होगा सी। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वहां अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। देखिए हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, 1956 के एक्ट की बात कर रहे हैं, नगरपालिका एक्ट की बात कर रहे हैं। तो नगरपालिका एक्ट में अगर आप देखें किसी भी नगर निगम में मिनिमम जो वार्ड होने चाहिए वो कहा गया है 40 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 40, और मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो हमने कहा है कि 70, हमने कितना कहा 70 वार्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 40 वार्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम 70 वार्ड हो सकते हैं। परंतु अगर किसी नगर निगम की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, कितने से अधिक है, 10 लाख से अधिक है अगर किसी नगर निगम की जनसंख्या, तो वहां वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, 85 हो सकती है। तो इस संख्या के संबंध में भी आप ध्यान रखेंगे, नगर पालिका नगर पंचायत में भी आप जो है कितने वार्ड हो सकते हैं मिनिमम और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं इसको याद रखेंगे। नगर निगम के केस में ये स्पेशल केस है जहां पर मिनिमम संख्या 40 है और मैक्सिमम आपका 70 है, परंतु ऐसे नगर निगम जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां 85 वार्ड भी हो सकते हैं यह कहा गया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पर नगर निगम में मैक्सिमम वार्ड 85 हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए हमारे राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत शिव कुमार डहरिया जी को क्या किया गया है, नगरीय प्रशासन का मंत्री बनाया गया है। तो जब हम नगरीय निकायों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके मंत्री के संबंध में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो शिव कुमार डहरिया जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है आरंग, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर होगा आरंग। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक भी नगर पालिका परिषद नहीं है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगर पालिका परिषद नहीं है। तो अगर आप इसका उत्तर देखें तो धमतरी जो है नगर पालिका परिषद नहीं है, पूर्व में यह नगर पालिका परिषद थी लेकिन धमतरी को क्या कर दिया गया है, नगर निगम बना दिया गया, और जब नगर निगम बना दिया गया तो पूरे धमतरी जिले के अंदर कोई भी नगर पालिका परिषद नहीं है, वहां नगर पंचायत है और नगर निगम है, नगर पालिका वहां नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा धमतरी। अब हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी नगर पालिका परिषद में कोई वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है परंतु यदि उस वार्ड में अन्य पिछड़ा वर्ग कोई उम्मीदवार नहीं मिलता तो उस वार्ड को अनारक्षित घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। मतलब हम कह रहे हैं कि कोई एक वार्ड है, हमने ये कहा कि हमारा ये नगर पालिका है या नगर निगम है, नगर निगम के अंदर क्या है वार्ड है, इस वार्ड को किसके लिए आरक्षित किया गया है, यह आरक्षित किया गया है मान लीजिए ST कैटेगरी के लिए, और इस वार्ड में कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति निवास नहीं करता, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे वार्ड को क्या कर सकता है कलेक्टर, ऐसे वार्ड को कलेक्टर क्या कर सकता है अनारक्षित घोषित कर सकता है। आप अगर देखें नगर पालिका के केस में ऐसे वार्ड को अनारक्षित करने का अधिकार किसके पास है, कलेक्टर के पास है। नगर पालिका के सभी केस में
वार्डों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर के पास है, और नगर निगम में आप देखेंगे तो आपके पास किसके पास होता है यह अधिकार, यह अधिकार होता है संभागीय आयुक्त के पास। तो जो निर्णय यहाँ पर कलेक्टर ले रहा होता है वह नगर निगम के केस में संभागीय आयुक्त ले रहा होता है। अब यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा तो हम कुछ आरक्षण के संबंध में चर्चा अपनी कर लेते हैं। तो आरक्षण, ये वार्ड आरक्षित किस आधार पर होते हैं, वार्डों के आरक्षण के संबंध में अगर आप देखें तो देखा यह जाएगा कि इस पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, इस पूरे नगर पालिका क्षेत्र में एसटी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। अनुसूचित जाति, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हुए तो उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अर्थात इस पूरे क्षेत्र में जितनी परसेंटेज इनका होगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उतने सीटें, मान लेते हैं हम कि एसटी के लिए 20% जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र में और एससी की 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो यहां पर कि 20% जो सीटें होंगी वह एसटी के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी और 10% सीटें जो है एससी के लिए निर्धारित कर दी जाएंगी। तो ये तो हुआ किसने की बात, वार्ड के संख्या के आधार पर। अब हम अगर कहें कि यहां पर कौन बनने वाला है, अध्यक्ष बनने वाला है, तो अध्यक्ष के लिए आरक्षण किस प्रकार से होगा। वार्डों के लिए आपने क्या किया, पूरी जनसंख्या देखी और वार्ड में आपने क्या किया, उतनी परसेंटेज का दे दिया आरक्षण। परंतु जब आप अध्यक्ष के लिए देखने जाएंगे तो इस तरीके से यह नगर पालिका है और क्या होगा, नगर पंचायत होगी, इस प्रकार से नगर पंचायत होगी, यहाँ क्या होगा, नगर निगम होगा। तो जब आपको अध्यक्ष, यहाँ भी कोई अध्यक्ष होगा और यहाँ भी क्या होगा, मेयर होगा, तो इनमें आरक्षण का कौन सा नियम लागू होगा। तो इनमें आरक्षण देने के लिए पूरे प्रदेश में शहरी प्रशासन को देखा जाता है, पूरे प्रदेश में शहरी जनसंख्या को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा, शहरी जनसंख्या को देखा जाएगा। हम देखेंगे शहरी जनसंख्या को, हम देखेंगे किसको, शहरी जनसंख्या को देखेंगे। शहरी जनसंख्या जितनी भी है उसमें एसटी और एससी की कितनी जनसंख्या है, एसटी और एससी की जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर आप क्या करेंगे, अध्यक्ष के पद और मेयर के पद को आरक्षित करेंगे। पूरे प्रदेश में शहरी जनसंख्या में कितना प्रतिशत है उस आधार पर अध्यक्ष और मेयर के पद आरक्षित किए जाएंगे। देखिए अगर सिंपल तरीके से इसे समझा जाए तो अब जब आप न किसी पालिका से संबंधित हैं और किसी वार्ड में आरक्षण करना चाहते हैं तो वार्ड में आरक्षण करने के लिए आपको क्या देखना है, पूरे उस पालिका क्षेत्र को देखना है, और जब अध्यक्ष को देखना है, अध्यक्ष के लिए आरक्षण करना है तो आपको पूरे प्रदेश के अंदर देखना होगा। और जब हम शहरी प्रशासन की बात कर रहे हैं तो शहरी जनसंख्या को देखा जाएगा, और ग्रामीण प्रशासन में देखेंगे तो ग्रामीण प्रशासन के बारे में देखा जाएगा। आरक्षण के संबंध में एक और डाउट आता है कि यदि एसटी और एससी की जनसंख्या 50% से कम है, जो आरक्षण है वो 50% से कम है, तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण होता है, वह आरक्षण होता है 25%। अगर एसटी और एससी के लिए आरक्षण 50% से कम है तो ओबीसी के लिए 25% आरक्षण होगा, परंतु अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर एसटी और एससी की जनसंख्या 50% से अधिक होगी वहां पर ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, ठीक। एक और जो समस्या आती है जो ये इस प्रकार है कि अगर कोई सीट मान लीजिए एसटी के लिए आरक्षित है तो क्या वहां से केवल एसटी पुरुष लड़ सकता है या एसटी महिला भी लड़ सकती है। तो देखिए अगर कोई सीट रिजर्व होती है, ठीक, अगर कोई सीट रिजर्व हो रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो रही है, वह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो रही है। आप नगरीय प्रशासन में देखें, नगरीय प्रशासन में देखें तो महिला आरक्षण जो है, महिला आरक्षण जो है 33% है, नगरीय प्रशासन में महिला आरक्षण 33% है, ग्रामीण प्रशासन में जरूर ये कितना है, 50%। कहाँ है, ग्रामीण प्रशासन में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, लेकिन अब नगरीय प्रशासन जहाँ पर हम देख रहे हैं तो नगरीय प्रशासन में आरक्षण है 33%। और कोई सीट अगर एसटी के लिए आरक्षित हुई तो वहाँ कोई एसटी महिला भी चुनाव लड़ सकती है और एसटी पुरुष भी लड़ सकता है। मतलब हमने किसके लिए आरक्षित करते हैं, हम एसटी के लिए आरक्षित करते हैं, तो पुरुष और महिला दोनों हो सकता है। बट अगर ये कहा गया कि एसटी फीमेल के लिए अगर कोई सीट आरक्षित की गई है, अगर एसटी फीमेल के लिए कोई सीट आरक्षित कर दी गई है तो वहाँ एसटी पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर सिर्फ एसटी आरक्षित कर दी गई है तो पुरुष और महिला दोनों ही वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आरक्षण होता है उसमें अगर फीमेल नहीं लिखा हुआ है तो वहां से पुरुष और महिला दोनों ही लड़ सकते हैं, अगर फीमेल लिख दिया उसने तो वहां से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। और जिन सीटों को अनरिजर्व किया जाता है उनके संबंध में यह भ्रम है कि यहां सामान्य वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो जी नहीं, जो सीटें अनरिजर्व हैं वो सामान्य वर्ग के लिए कोई रिजर्व नहीं होती हैं, उन सीटों पर कोई किसी भी, चाहे एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो या सामान्य वर्ग से संबंधित हो, वे सभी चुनाव लड़ सकते हैं। ये अनरिजर्व होती हैं, ओपन सीटें होती हैं, अर्थात इनमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एक और क्वेश्चन अभी वर्तमान में आया है कि ऐसा कोई पार्षद, मान लीजिए कोई सीट क्या थी, अनरिजर्व थी, इस अनरिजर्व सीट से कोई
एससी पार्षद जीत गया। अनुसूचित जाति से संबंधित कोई पार्षद कहां से जीत गया? हमने ये कहा है कि अनरिजर्व सीट से कोई भी लड़ सकता है, अनरिजर्व सीट से कोई भी लड़ सकता है। और यहाँ क्या किया, यहाँ अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति क्या बन जाता है, पार्षद बन जाता है। अब यह जो पालिका क्षेत्र था, उस पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित हुआ था, एससी के लिए आरक्षित हुआ था। यह एससी वर्ग का जो पार्षद है वह किसी अनरिजर्व सीट से जीता है और यह अध्यक्ष पद किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए जीता है। यह अध्यक्ष का पद किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। तो यह जो अनरिजर्व सीट से जीता हुआ पार्षद है वह भी अध्यक्ष बनने का हकदार होगा। उसे इस बात के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता कि इसने क्या उस वार्ड से चुनाव नहीं जीता है जो एससी के लिए क्या था, आरक्षित था, वह अनरिजर्व वाले से जीता है। इस कारण इसको क्या किया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता। जो अनरिजर्व सीट से अनुसूचित जाति का व्यक्ति बना हुआ है और अध्यक्ष का पद अगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो यह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में यह व्यक्ति क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, इसे यहां पर रोका नहीं जा सकता। तो ये हमारी आरक्षण के संबंध में बातें हुई। और इस प्रश्न का उत्तर आप देखें तो इसका होगा नगर पालिका क्षेत्र में कौन करेगा, कलेक्टर इसको क्या कर सकता है, अनारक्षित घोषित कर सकता है। अगर वहां पर कोई उस जनजाति का व्यक्ति या उस जाति से संबंधित व्यक्ति नहीं है तो कलेक्टर उसे क्या कर सकता है, अनारक्षित घोषित कर सकता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक नगर पंचायत किस जिले में है, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग। तो इसका उत्तर होगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में नगर पंचायतों की संख्या 11 है और यहीं पर सर्वाधिक नगर पंचायत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पंचायत नहीं है, ऐसा कौन सा जिला है जहां नगर पंचायत नहीं है, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, रायपुर। तो नारायणपुर में नगर पंचायत नहीं है, यहां नगर पालिका है, नारायणपुर नगर पालिका है, इसलिए वहां पर उसके बाद उस एरिया में कोई भी नगर पंचायत नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नारायणपुर। आज के वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। अब कमेंट के रूप में जो भी प्रश्न आपके आएंगे हम उनके माध्यम से कल का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जमानत राशि के संबंध में एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हम निश्चित रूप से कल उसका भी जवाब देने का प्रयास कर रहे होंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।